पिछली वीडियो में हमने जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है और फ्लेमिंग का बामहस नियम या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी समझने का प्रयास किया था। साथ ही हमने विद्युत मोटर के कार्य करने का तरीका और उसके उपयोग जैसे पंखा, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन के बारे में भी समझा था। ये सारे विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि विद्युत बनाई कैसे जाती है? विद्युत विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से बनाई जाती है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक तो सुना है, मगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चलिए हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक 50 फेरों वाले तार की एक कुंडली, एक बार मैग्नेट और एक गैल्वेनोमीटर चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा जानने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को कुंडली से इस तरह जोड़ने के बाद जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के एक सिरे की तरफ ले जाते हैं तब गैल्वेनोमीटर की सुई में एक और विक्षेपण होता है। मान लीजिए ये दिशा दाई ओर है। सुई का हिलना कुंडली में विद्युत धारा के होने का संकेत देता है और जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाता है। इसी तरह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर सुई की दिशा बदल जाती है, जो ये दर्शाता है कि सर्किट में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। दूसरे केस में चुंबक को स्थिर अवस्था में रखने पर कुंडली के सिरे को उत्तरी ध्रुव के निकट लाने पर सुई दाई ओर विक्षेप होती है और दूर ले जाने पर बाई ओर। तीसरे केस में जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के सिरे की ओर ले जाते हैं तब सुई की दिशा पहले केस से विपरीत होती है। इस एक्टिविटी से हम दो निष्कर्ष दे सकते हैं। जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। कुंडली अथवा चुंबक की गति एक प्रेरित विभांतर या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करती है जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। इस क्रियाकलाप को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार चुंबक की जगह 100 फेरों वाली विद्युत धारावाही कुंडली का उपयोग करते हैं। दोनों कुंडलियों को मोटे कागज के खोखले बेलन के माध्यम से रोका जा सकता है। कुंडली एक को जब बैटरी और स्विच से जोड़ा जाएगा तब गैल्वेनोमीटर की सुई एक दिशा में तेजी से विक्षेप होकर उसी गति से शून्य पर वापिस आ जाती है। अगर स्विच को निकाला जाए तब भी विक्षेपण देखा जा सकता है, परंतु उसकी दिशा उल्टी होगी। यदि कुंडली एक की विद्युत धारा की दिशा बदली जाए और स्विच को जोड़ा जाए तब भी गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेपण देखा जा सकता है। इस एक्टिविटी का ये निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली एक में जब विद्युत धारा स्थायी होता है तो कुंडली दो के गैल्वेनोमीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुंडली एक में जब विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तब कुंडली दो में प्रेरित विभवांतर या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रेरित होता है। कुंडली एक को प्राथमिक कुंडली और कुंडली दो को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। द्वितीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है जिसके कारण इंड्यूस्ड विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस तरह एक चालक में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण दूसरे चालक में विद्युत धारा के इंड्यूस्ड होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस घटना को पहली बार माइकल फैराडे ने अनुभव किया था। इस इंड्यूस्ड विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। ये नियम कहता है कि दाएं हाथ की पहली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे तीनों को लंबवत स्थिति में रखा जाता है। यहाँ पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती है और अंगूठा चालक की गति की ओर संकेत करता है, तब बीच वाली उंगली प्रेरित एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है।
जिस प्रकार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल को बताता है, उसके विपरीत फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल चालक की मोशन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण जो विद्युत धारा प्रेरित होता है उसे ये रूल दर्शाता है। आने वाले वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर पर बात करेंगे।